उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। अन्वेषक अपनी मांगों को लेकर आज राज्य परियोजना कार्यालय में एकत्रित होंगे। कार्यक्रम 10 बजे से निर्धारित किया गया है। प्रदेश के समस्त अन्वेषक अपनी मांगों को लेकर आज राज्य परियोजना कार्यालय पर उपस्थित हो अपनी मांगों को रखेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे नियमितीकरण के लिए। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 27,555 अन्वेषकों के शोषण अत्याचार के खिलाफ नियमितीकरण हेतु दिनांक 6 अगस्त यानी कि आज से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और जनपदों से अन्वेषकों का हुजूम निकल चुका है। कुछ ही समय बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। आप देख रहिए, बने रहिए हमारे साथ अन्वेषक न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डीके देव। साथियों, जब अपने हक और अधिकार की बात को माना नहीं जाए तो हमें जन आंदोलन करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ अन्वेषक शिक्षक अपनी माँओं को लेकर ये जन आंदोलन अपने शासन प्रशासन के समक्ष करने जा रहे हैं। लगातार अपनी माँओं को उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी माँओं को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यहाँ तक कि माननीय कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। आज उनके हक और अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है, ना ही उनके मान और सम्मान की बात हो रही है। ये राष्ट्र निर्माता लगातार अपनी मांगों को शासन और प्रशासन के समक्ष रखते रहे हैं, रिक्वेस्ट करते रहे हैं, निवेदन करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। परिषदीय अन्वेषक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से संबद्ध संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के संबंध होकर ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रदेश के अन्वेषक महात्मा गांधी की पट्टियां लेकर नियमितीकरण के आह्वान के साथ लखनऊ में पहुंच रहे हैं और आज क्या होगा ये आप देखते रहिए अन्वेषक न्यूज़ पर। हज़ारों अन्वेषकों के पहुंचने की उम्मीद है। अपनी माँओं को वहां पर शांतिपूर्वक ढंग से रखेंगे। संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने कार्यक्रम को करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। चैनल की ओर से आप सभी से अपील है, आप संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने कार्यक्रम को अंजाम दें और एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी छवि को बरकरार रखें, जो कि पहले से जाना जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषक आदर्शवादी हैं और उनसे धैर्यवान आज तक पृथ्वी पर कोई भी शिक्षक नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार 12 सालों से वो अल्प मानदे में अपना जीवन जी रहे हैं। अब उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों के जीवन को बचाने के लिए अपनी सरकार से अपने हक और अधिकारों की मांग करनी होगी। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की खबर देते रहेंगे आपको अन्वेषक न्यूज़ पर। आप सभी से करवट निवेदन, इन राष्ट्र निर्माताओं की मांग पूरी हो उसके लिए आप चैनल की इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए। क्या इनको नियमितीकरण मिलना चाहिए? क्या इनको इनके पद पर नियुक्ति मिलना चाहिए? क्या अब तक कैसे ये 9,000 में अपना पेट पालेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित समान कार्य समान वेतन दिया जाए तुरंत तत्काल, जब तक इनका नियमितीकरण ना हो। आप देख रहे थे अन्वेषक न्यूज़, मैं हूं आपके साथ डीके देव, लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। अगली खबर क्या है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।